टिकटॉक खोए हुए लोगों को भी ढूंढने लगा है। जी हाँ, तमिलनाडु में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक लापता व्यक्ति को टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए देखा गया है। ये व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ चुका है और फिलहाल टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए देखे जाने के बाद इस व्यक्ति की पुष्टि हो गई है कि ये वही व्यक्ति है और फिलहाल परिवार द्वारा उस व्यक्ति पर घर लौटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कृष्णगिरी में रहने वाले सुरेश का विवाह हुआ था कुछ समय पहले और इनके दो बच्चे भी हैं। 2016 में सुरेश अचानक कहीं चला गया और खोजबीन करने के बाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई नहीं की गई और ना ही सुरेश को खोजा गया। परिवार इस बात से परेशान हो चुका था कि आखिरकार सुरेश कहाँ चला गया है, लेकिन 3 साल बाद उनमें एक आशा की किरण जगी। कुछ दिनों पहले जयाप्रदा के एक रिश्तेदार ने टिकटॉक वीडियो में सुरेश की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति को देखा और इसकी सूचना तुरंत ही जयाप्रदा को दी और ये वीडियो दिखाकर जयाप्रदा को ये पुष्टि की कि क्या ये उसी का पति है, तो जयाप्रदा ने ये कहा कि ये उसी का पति है। जयप्रदा द्वारा पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और पुलिस ने ये बताया कि कुछ समस्याओं के चलते सुरेश अपने परिवार को छोड़कर चला गया था और वो कहीं और मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि सुरेश एक ट्रांस वूमन के साथ रिश्ते में है और उसके साथ ही टिकटॉक पर वीडियो भी बनाता है और उन दोनों के कई वीडियोज भी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सुरेश और जयाप्रदा को समझाइश देकर घर भेज दिया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.